अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आखिरत में भलाई अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद की बेहिसाब बरकतें हैं, कुरान मजीद पढ़ने की और सुनने की बेहिसाब फजीलत भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद एक ऐसी मुअत्तबर किताब है जिसका पढ़ना भी सवाब, जिसका छूना भी सवाब। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं कुरान मजीद की तिलावत करते हुए, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत की गई है। और ये कुरान मजीद की ही बरकत है जो ये शख्स इतनी लंबी सांस रोक सकता है। ये कारी हैं और ये एक मिनट से ज़्यादा, 1 मिनट 16 सेकंड तक सांस रोके रहे और सूरह दुहा की तिलावत करते रहे। सूरह दुहा की तिलावत को एक सांस में पढ़ा इन्होंने, और 1 मिनट 16 सेकंड के अंदर इन्होंने सूरह दुहा मुकम्मल कर दी और सांस नहीं तोड़ी। फिर आगे दूसरी सूरत भी शुरू कर दी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुरान मजीद की बरकतें हैं। आपसे गुजारिश है कि पहले आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आइए, उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। जी हाँ, देखा आपने कि बेहतरीन अंदाज में सूरह दुहा की तिलावत की और सूरह दुहा को 1 मिनट 16 सेकंड के अंदर पूरा कर दिया, और उसके बाद भी दूसरी सूरत भी पढ़ी थोड़ी सी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुरान मजीद की ही बरकत है जो ये इतनी सांस रोक पाए। वरना कोई इंसान अगर सांस रोकने की कोशिश करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड 45 सेकंड अगर मान लिया जाए तो 1 मिनट तक रोक लेगा, मगर 1 मिनट के बाद उससे 1 सेकंड भी ऊपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 मिनट भी बहुत होता है, 1 मिनट कोई सांस नहीं रोक पाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुरान मजीद की बरकत है, कुरान मजीद की बरकतें हैं जो आज ये कारी साहब ने किरत की और किरत में सूरह दुहा की तिलावत की। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद खुद पढ़ें और अपने बच्चों को इल्म दीन ज़रूर सिखाएं, क्योंकि कुरान मजीद एक ऐसी मुअत्तबर किताब है कि जिसे अगर आपने पढ़ा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी, क्योंकि कुरान मजीद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एक ऐसी मुक़द्दस किताब रब तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई, इसे कुरान मजीद कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ख़ुद भी कुरान मजीद को पढ़ें और अपने बच्चों को, अपनी औलाद को इल्म दीन और कुरान मजीद ज़रूर पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कुरान मजीद की खूब तिलावत करने की रब तौफीक अता फ़रमाए, इसके फैज़ बरकात से रब तबारक व तआला हम सब को माला माला फ़रमाए। रब तबारक व तआला हम सब को इल्म दीन सीखने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।